भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें दिन कर भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान कर सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान कर सबका ही कल्याण। का धर्म निभाती थी संज्ञा देवी को सूर्य से हुई तीन संतान, वैवस्वत मनु यमुना देवी और यमराज थे ना। इससे आगे का किस्सा हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान कर सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान कर सबका ही कल्याण। का सहन न कर पाई, सोचा संज्ञा देवी ने कोई तप किया जाए, तेज सूर्य का कुछ कम हो या मेरा बढ़ जाए। संज्ञा देवी ने अपने जैसी बना दी परछाई, रखना ध्यान सूर्य देव का बातें समझाई। वन में जाकर वो उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान कर सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान कर सबका ही कल्याण। छोड़ी
शनि देव को नापनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। शनि शक्ति का ज्ञान, शनि देव ने सूर्य देव पे फिर तो किया है को, उनके घोड़ों की चाल भी दिया शनि ने रो। वक्र दृष्टि पड़ी शनि की, नेत्रहीन सारथी हुए, छह रोगी हुए सूर्य देव जिस कारण बेचैन हुए। रुकी चाल जो देव फिर शिव शंभु की शरण में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। संक्रांति का दिन माना जाए, काले तिलों से सूर्य देव को पूजा जाता है। भक्तों मकर संक्रांति का दिन जब जब आता है, स्कंद पुराण में कथा ये शनि देव की मिलती है। मकर संक्रांति जो भी मनाए किस्मत खुलती है, डीएस पाल को पार मिली, फौजी सुरेश के भी धन भाग है कलम जवान चली। हंस राज रलहन सुनकर हर्षित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान
ही कल्याण। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। ओ जग को देते हो उजियारा, तुमसे पोषित है जग सारा। कोटि कोटि हम करते नमन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ तुमने सब सृष्टि महकाई, ओ हमने जीवन जा पाई। सृष्टि सकल करे अभिनंदन, सूर्य देव का करो वंदन। जय 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 सूर्य देव। ओ धरा और वायु तुमसे, प्राण धरा पे जीवित तुमसे। कश्यप है माता अदिति, ओ इनसे हुए सब जन्म की रीति। और नक्षत्र ये सारे ओ तुमसे प्रकाशित है ये न्यारे। उजियारा जो हम ना पाते, ओ वृक्ष जीव और पशु करहाते। हुई अनुकंपा, ओ आवाहन हुआ सूर्य देव का। वैभव को देने वाले हे रवि तुम्हारे खेल निराले। सात अश्व का रथ तुम्हें भाए, ओ
अरुण सारथी जिसको चलाए धन सुख को देने वाले हो अजर अमर तुम करने वाले सुमिरता पा नहीं सकता कभी वो सफलता सबसे बड़ी है सूर्य की पूजा ओ सूर्य जैसा कोई देव न दूजा नाम तुम्हारे ओ रूप तुम्हारे जग से न्यारे जन जन में ऊर्जा को जगाते मस्तक पर भाता ओ कानन कुंडल रूप सुहाता मंदिर ओ अंगारी का धाम है सुंदर अक्षत फल मेवा ओ भगत करे मिल कर सब सेवा जबला
गे है मेला। ओ भक्तों को लगता अलबेला, चढ़ावे मन चाह फल सूर्य से पावे। से मुक्ति पाए को करता, उसका सोया भाग्य सवरता। से पालो सुख की मेवा, सबका संकट जिसने टाला। करता उनका बिगड़ा काज सवरता। कृपा पालो
करता है सुख करता उसने सारे जग को जीता कारी ओ, इनकी दया ने दुनिया तारी झोलियां भर लो देव की महिमा गालो ओ, आओ भक्तों सब सुख पालो देवा जय जय तिहारी जगत के नेत्र स्वरूपा जगत के नेत्र स्वरूपा धरत सब ही तब ध्यान ओम जय सूर्य भगवान अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी अश्व है साथ तुम्हारे अश्व है साथ तुम्हारे तुम हो देव महान ओम जय सूर्य भगवान
वर्षा काल में जब तुम उदया चल आते, फैलाते उजियारा, फैलाते उजियारा, करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। चल जाते, चल जाते गोधूली बेला में, गोधूली बेला में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। भजते स्तोत्र ये मंगलकारी, स्तोत्र ये मंगलकारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। काल रचयिता तुम जग के आधार, प्राणों का सिंचन करके, प्राणों का सिंचन करके देते बल बुद्धि ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। चर जल चर खे चर सबके प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने तुम्ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। करती दिशाएं पूजे दश दिक पाल, पूजे दश दिक पाल,
ऋतु में तुम्हारी दासी, ऋतु में तुम्हारी दासी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, से होके उदित अंधकार मिटाते हैं, पूर्व दिशा से होके उदित अंधकार मिटाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, पूर्व दिशा से होके उदित अंधकार मिटाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक वृद्धा भक्त रहा थी करती, सूर्य देव की बड़ी पुजारन सूर्य उपासना करती। किसी गांव में एक वृद्धा भक्त रहा थी करती, सूर्य देव की बड़ी पुजारन सूर्य उपासना करती। सूर्य देव भी अपनी कृपा वृद्धा पे लुटाते हैं, सूर्य देव भी अपनी कृपा वृद्धा पे लुटाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। रविवार को जल्दी उठकर वो पड़ोस में जाती, अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आती। रविवार को जल्दी उठकर वो पड़ोस में जाती, अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आती। घर आंगन को लीपती शुद्ध सभी हो जाते हैं, घर आंगन को लीपती शुद्ध सभी हो जाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं।
सूर्य देव के व्रत का पालन हर रविवार को करती, सूर्य का जाप थी करती भक्तों, सूर्य का ध्यान थी धरती। सूर्य देव के व्रत का पालन हर रविवार को करती, सूर्य का जाप थी करती भक्तों, सूर्य का ध्यान थी धरती। आगे घटना क्या थी घटी तुमको बतलाते हैं, हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। के मारे पड़ोसन ने गैया भीतर बांधी, उस रविवार को वृद्धा गोबर घर में नाला पाई। जलन के मारे पड़ोसन ने गैया भीतर बांधी, उस रविवार को वृद्धा गोबर घर में नाला पाई। व्रत नहीं रख पाई उसका हाल बताते हैं, व्रत नहीं रख पाई उसका हाल बताते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। अगले दिन फिर कपिला गैया सूर्य देव भिजवाए, हर रविवार को मैया सोने का गोबर दे जाए। अगले दिन फिर कपिला गैया सूर्य देव भिजवाए, हर रविवार को गैया सोने का गोबर दे जाए। खुशियों के दिन फिर वृद्धा के लौट के आते हैं, खुशियों के दिन फिर वृद्धा के लौट के आते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। की खुशियां पड़ोसन बिल्कुल ना सह पाई, सोने के गोबर की बातें राजा को बतलाई। वृद्धा की खुशियां पड़ोसन बिल्कुल ना सह पाई, सोने के गोबर की बातें राजा को बतलाई। राजा वृद्धा के घर से गैया उठवाते हैं, राजा वृद्धा के घर से गैया उठवाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन
कथा सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। उसी रात को सूर्य देव राजा के सपने आए, वृद्धा को गैया लौटा दो उनको थे समझाए। उसी रात को सूर्य देव राजा के सपने आए, वृद्धा को गैया लौटा दो उनको थे समझाए। उलट पलट कर दूंगा अन्यथा वो बतलाते हैं, उलट पलट कर दूंगा अन्यथा वो बतलाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। और पड़ोसन को था राजा ने बुलवाया, पड़ोसन को दंड दिया वृद्धा को शीश नवाया। वृद्धा और पड़ोसन को था राजा ने बुलवाया, पड़ोसन को दंड दिया वृद्धा को शीश नवाया। आदर के संग वृद्धा को गैया लौटाते हैं, आदर के संग वृद्धा को गैया लौटाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। ने पड़ोसन पर थी दया अपनी दिखलाई, वृद्धा के कारण पड़ोसन जेल से बाहर आई। वृद्धा ने पड़ोसन पर थी दया अपनी दिखलाई, वृद्धा के कारण पड़ोसन जेल से बाहर आई। दोनों लौट के अपने गांव में वापस आते हैं, दोनों लौट के अपने गांव में वापस आते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। पर
पड़ोसन ने माफी मांगी, वृद्धा के घर आई। सूर्य देव का वृद्धा संग में मिलकर ध्यान लगाई। पड़ोसन ने माफी मांगी, वृद्धा के घर आई। सूर्य देव का वृद्धा संग में मिलकर ध्यान लगाई। दोनों मिलकर सूर्य देव के भजन सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। रविवार जब भी आता दोनों जल्दी उठ जाते, सोने के गोबर से घर और आंगन लीपत जाते। रविवार जब भी आता दोनों जल्दी उठ जाते, सोने के गोबर से घर और आंगन लीपत जाते। सूर्य देव दोनों पर कृपा फिर बरसाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। रविवार के व्रत का पालन जो भी करते जाते, सूर्य देव का ध्यान लगाते, चंदन तिलक लगाते। रविवार के व्रत का पालन जो भी करते जाते, सूर्य देव का ध्यान लगाते, चंदन तिलक लगाते। उन भक्तों को भवसागर से पार लगाते हैं। उन भक्तों को भवसागर से पार लगाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। हम रविवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। मादिरादित्यो लोक लक्षणा कारक विषम स्थान संभुताम पीड़ाम दहनु मेरवि। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की। भक्तजनों, सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक ग्रह है, जिनके चारों तरफ अन्य 8 ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं। भगवान सूर्य देव नारायण को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। भक्तों, समस्त चराचर जगत की आत्मा भगवान आदित्य नारायण ही हैं। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, यह आज एक सर्व सामान्य सत्य है। भक्तों, वैदिक काल में
आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। भगवान सूर्य का अर्थ है प्रेरणा देने वाले तथा प्रकाश करने वाले। ऋग्वेद में इन्हें सभी देवताओं का अधिपति माना गया है। तो भक्तों, आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान सूर्य देव की वो पावन संगीतमय कथा, जिसे सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान सूर्य देव नारायण ने अपना देव रूप कैसे धारण किया था। तो भगवान सूर्य देव नारायण के परम प्रकाश को अपने हृदय में समाते हुए मेरे साथ सुनिए भगवान सूर्य की ये पावन संगीतमय कथा। जो पूर्व दिशा से होके उदित अंधकार मिटाते हैं, अंधकार मिटाते हैं, माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो ज्योति स्वरूप है कैसे देवता रूप में आते हैं, देवता रूप में आते हैं, माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, देवता और असुर आपस में सदा संग्राम करते रहते थे, आपस में सहदेव लड़ाई किया करते थे। यहाँ तक कि उनके इस बार बार के संग्राम से देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी परेशान हो चुके थे। आखिर कोई उपाय सोचें तो क्या सोचें, देवता भी आपस में परामर्श कर रहे हैं और असुर भी परामर्श कर रहे हैं। दोनों की शक्तियां युद्ध कर करके क्षीण हो रही हैं, परंतु असुरों ने त्रिदेवों का तप कर करके उनसे अनेक अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली भक्तों। और एक दिन ऐसा घनघोर युद्ध किया देवताओं से कि उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया, देवराज इंद्र को स्वर्ग विहीन कर दिया, जो देवी देवता बंदी बन सकते थे उन्हें बंदी बना लिया, बाकियों को मारकर स्वर्ग से भगा दिया। अब आगे क्या कथा है भक्तों, सूर्य देव नारायण के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं। असुर भारी थे करते आपस में उत्पात, दोनों एक दूजे को देते युद्ध में भक्तों मात। ओ तप करके घनघोर असुर ने भारी बल पाया, देवताओं को असुरों ने फिर युद्ध में हराया। स्वर्ग पे भी असुर अपना अधिकार जमाते हैं, वो अधिकार जमाते हैं, माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सभी देवता इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग से अधिकार विहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं। कभी भगवान शिव के पास जाते हैं तो कभी भगवान विष्णु के पास, श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर भी उनके हाथ केवल निराशा ही लगी। अब देवता क्या करते, अपनी माँ अदिति की शरण में पहुंचे। अदिति की शरण में आकर सभी देवता हाहाकार कर रहे हैं और अपनी माता से पुकार लगा रहे हैं, हे माँ हमें इन असुरों से बचाइए, हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाइए। देवताओं की कातर प्रार्थना सुनकर
माँ अदिति की आंखों में आंसू आ गए भक्तों। वो भी सोच रही हैं कि भला किस प्रकार से मैं अपने पुत्रों की सहायता करूं। टहलते टहलते महल के झरोखे पर आती है भक्तों, और सामने क्या देखती है कि भगवान सूर्यदेव पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं। धीरे धीरे जगत में प्रकाश फैल रहा है, सृष्टि में ऊर्जा का संचार हो रहा है। उगते सूर्य को देखकर माँ अदिति के मन में अचानक एक विचार घर कर जाता है भक्तों, और वो विचार क्या है? भगवान आदित्य नारायण का नाम जपते जपते मेरे साथ सुनिए आगे की पावन कथा। दिशा से आते सूर्य को अदिति ने देखा, देखते ही माँ के मन में तो एक विचार कौंधा, क्यों ना सूर्य देव मेरी संतान बन जाए, करी प्रार्थना पुत्र रूप में गर्भ में आए। देवी देवता सुन सारे हैरत में आते हैं, सब हैरत में आते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उगते हुए भगवान सूर्यदेव नारायण को देखकर माँ अदिति के मन में विचार कौंधा, क्यों ना ये शक्ति पुंज जो सारी सृष्टि में ऊर्जा भर रहा है, ये मेरा पुत्र बन जाए। यदि ये मेरा पुत्र बन जाएगा तो मैं इसे इन देवताओं का अधिपति बना दूंगी, और इसके तेज के आगे समस्त असुर नष्ट हो जाएंगे। यह सोचकर माँ अदिति ने भगवान सूर्य देव नारायण का घनघोर तप प्रारंभ कर दिया भक्तों। यहाँ तक कि उनके पति महर्षि कश्यप ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि तुम अपने गर्भ में सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाओगी, परंतु माँ अदिति थी कि उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि यदि पुत्र होगा तो सूर्य ही होगा। घनघोर तप किया भक्तों, और भगवान सूर्य देव को माँ अदिति को दर्शन देना ही पड़ा। आकर माँ से वरदान मांगने को कहते हैं तो माँ वरदान में वही मांगती है जिस प्रेरणा से उन्होंने तप किया था। बोली, हे भगवान सूर्य देव नारायण, यदि मेरे तप से प्रसन्न है तो मेरे गर्भ में आ जाइए भगवन, और मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। सूर्यदेव जानते थे यह कार्य असाध्य है पर असंभव नहीं, सो उन्होंने तथास्तु कह दिया भक्तों, और माँ अदिति के गर्भ में आ गए। माँ अदिति के तप का बल इतना था कि पूरे एक वर्ष तक भगवान सूर्यदेव को अपने गर्भ में रखा, और उचित समय पर देदीप्यमान पुत्र के रूप में भगवान सूर्य ने माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया। भक्तों, देवी देवता मिलकर जयकार लगा रहे हैं। देव से करी प्रार्थना गर्भ में आओ, आकर मेरे गर्भ मेरी संतान बन जाओ। अदिति माँ को वर दी और गर्भ में आए, एक वर्ष पश्चात पुत्र के रूप में जाए। सूर्य जन्म पे भक्तों सारे फिर हर्षाते हैं, जय जयकार लगाते हैं।
माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान सूर्य देव नारायण ने माँ अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भक्तों, सभी देवी देवता मिलकर सच्चे हृदय से भगवान सूर्य देव की जय जयकार कर रहे हैं। अपने तप के बल पर, अपने तेज के बल पर भगवान सूर्य देव नारायण जन्म लेते ही अपने वास्तविक आकार में आ गए। उन्होंने पूर्ण रूप से एक देवता का रूप धारण कर लिया। अब तक जो शक्ति पुंज के रूप में देखे जाते थे, पूजे जाते थे, वो अब साक्षात देवता स्वरूप सबके सन्मुख खड़े हैं। माँ अदिति ने उन्हें सभी देवताओं का अधिपति बना दिया भक्तों, और आज्ञा दी, हे पुत्र, इन असुरों ने तुम्हारे भाइयों को, सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से विहीन किया हुआ है। जाओ, युद्ध भूमि में जाओ पुत्र, और अपने तेज का वो चमत्कार दिखाओ जिसे देखकर ये सारे असुर परास्त हो जाएं। श्री सूर्यदेव भगवान ने देवताओं की सेना तैयार की भक्तों, और अपने तीर धनुष तलवार लेकर युद्ध भूमि में असुरों से लड़ने हेतु चले गए। सारी सृष्टि अब हैरत से देख रही है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है। सूर्य देव के नेतृत्व में देव सेना आई, असुरों से फिर युद्ध का वो आह्वान लगवाई। देव असुर फिर एक दूजे के सन्मुख थे आए, तीर पे तीर चलाए, भक्तों भाले चमकाए। युद्ध भयंकर दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं, लड़ने वो लग जाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, श्री सूर्य देव भगवान। भगवान सूर्य देव के नेतृत्व में देव सेना ने ऐसा भयंकर युद्ध किया भक्तों के असुरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो शक्तियां उन्होंने तप कर करके अर्जित की थी, वो देवताओं के सन्मुख जाकर, भगवान सूर्य के सन्मुख जाकर उनके चरणों में प्रणाम करती और विलुप्त हो जाती। अब असुरों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो देवताओं को परास्त कर सके। सो सभी असुर घुटनों के बल बैठ गए भक्तों, और दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से प्राण दान मांगने लगे। दयानिधि भगवान सूर्य देव नारायण ने सभी को क्षमा कर दिया, परंतु उससे पहले उन्होंने असुरों से स्वर्ग का अधिकार वापस ले लिया। इंद्रदेव को फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया, सभी देवी देवता जो कैद में थे उन्हें मुक्त कराया और उन्हें अपने अपने उचित स्थान पर पहुंचाया। फिर भगवान सूर्य देव नारायण माँ अदिति के सन्मुख पहुंचे और उन्हें वापस से तेज पुंज बन जाने की प्रार्थना करने लगे। माँ अदिति ने एक बार फिर भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे पुत्र, तुम तेज पुंज तो बन जाओ, परंतु तुम्हारा ये देव स्वरूप भी सदा सदा मेरे पास रहे, मुझे ऐसा वरदान दो। भगवान सूर्य देव ने ऐसा ही किया भक्तों। तेज पुंज बनकर आज भी वो सौर मंडल में स्थित हैं, नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे ग्रह उनकी परिक्रमा लगाते हैं तथा उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और देवता के स्वरूप में भी भक्तजन भगवान सूर्य देव की
आराधना करते हैं। तो आप भी यदि जीवन में समस्त सुख भोगना चाहते हैं और अंत में भगवान सूर्य के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर रविवार को भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में अर्घ दीजिए, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाइए, गुड़ इत्यादि का भोग समर्पित कीजिए, फिर देखिए कैसे भगवान सूर्य देव आपके जीवन में सदा सदा खुशियों का प्रकाश भर देंगे। दोनों हाथ खोलकर सच्ची श्रद्धा से एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। सूर्य देव ने तेज को अपने ऐसा चमकाया, असुरों की सेना को स्वर्ग से मार भगाया। आदित्य का नाम प्रभु मैया से पाए हैं, अदिति माँ के चरणों चंदन तिलक लगाए हैं। देवी देवता मिलकर के जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री